शकील मलिक का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उतरेगी 2022 में अपने प्रत्याशी। सह प्रदेश प्रभारी के आगमन पर बहुत दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से हजारों की संख्या में पहुंचकर सह प्रदेश प्रभारी का किया स्वागत। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसको सुनने के बाद जिले की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं यह चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, शायद केजरीवाल की प्रदेश में सरकार बनने से बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा व शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। हालांकि पार्टी सह प्रदेश प्रभारी ने अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह अपनी उपलब्धि पर बात ना करके सभी को आपस में अमन के साथ रहने की बात कही। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मोहम्मद हारून कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। शाहजहांपुर आज दिनांक 11/2020 आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शकील मलिक दिलावर रिजवी, जिलाध्यक्ष लखनऊ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ असद अब्बास, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनाब राजे भाई और प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी नरेश गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से हजारों की संख्या में पहुंचकर सह प्रदेश प्रभारी का किया स्वागत। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं शाहजहांपुर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनाब हारून साहब को एक कामयाब और मजबूत कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जो आज उन्होंने मीटिंग मुनक्किद की, उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। यहां हमारे साथ में प्रदेश सचिव और इस ज़िले के प्रभारी श्री नरेश गुप्ता जी भी हैं और मुख्य पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी भी तशरीफ़ फरमा हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अनकरीब ज़िला पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और उसके बाद जहाँ तक चुनाव की बात है और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव देश के सामने हैं, प्रदेश के सामने हैं। फिलहाल आ जाने का मकसद पार्टी के संगठन को लेकर उसकी समीक्षा करना है, संगठन के विस्तार को लेकर साथियों के साथ बैठकर चर्चा करनी है, इसी उद्देश्य से आज यहाँ आया गया है। और उसी के साथ साथ कुछ शाहजहांपुर के काफ़ी